रास सुभाननम वयम बंदा मय बंदाम भीम अम्बेद नाम काम। हम सबसे पहले उस व्यक्ति को नमस्कार करते हैं, सत सत नमन करते हैं जिसने अपनी चार चार औलादों को आप लोगों के लिए, आपके समाज के लिए कुर्बान कर दिया। मेरे से पहले बहुत से बतोले बनाने वाले लोग आए, उनमें से मैं भी एक हूं। मैं केवल 5 मिनट बोलूंगा, लंबा चौड़ा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों कि मैं अपने 50 वर्ष के भिक्षु जीवन में ढेर सारे संगठनों को देख रहा हूं, कुकरमुत्तों की तरह जैसे बरसात में कुकरमुत्ते उपज आते हैं, वैसे ही हर 2 साल 3 साल बाद ढेर सारे कुकरमुत्तों की तरह संगठन निकल आते हैं। लेकिन कोई सामाजिक परिवर्तन की बात करता है, कोई शोषण को दूर करने की बात करता है, कोई कहता है कि हम आग लगा देंगे, कोई कहता है कि हम कुर्बान हो जाएंगे, कोई कहता है कि हम सब कुछ लुटा देंगे। अरे भाइयों, मेरी तरफ मुखातिब हो अल्लाह ताला के मानने वाले लोग, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कितने भी संगठन बना लेना, कितने भी आंदोलन चला लेना, कितना भी गाना गवा लेना, वो क्यों कि 4 जो स्तंभ होते हैं, पहले मेरे से पहले बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में 4 स्तंभ हैं, लेकिन आपके 4 स्तंभ टूटे हुए हैं, टांग तोड़ी दी गई है। कार्यपालिका उनकी है, न्यायपालिका उनकी है, विधायिका उनकी है, पत्रकारिता उनकी है। तुम्हारा झुंझुना है, कुछ भी नहीं है तुम्हारा। जब तक विधायिका नहीं बदलेगी, सदन में तुम्हारे लोग नहीं होंगे, तुम्हारे लोग विधायक नहीं बनेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि विधायिका भी कार्यपालिका को बनाती है, आईपीएस आईएएस वो लोग बनाते हैं और डिपूट करते हैं, न्यायपालिका से न्याय मिलता है। बाबरी मस्जिद छीन ली गई, तुम्हारी हर जगह पिटाई हो रही है। मूंछे रखने के बाद जितेंद्र मेघवाल को मार दिया गया, इंद्रपाल मेघवाल को घड़ा छूने पे मार दिया गया। हाथरस के जिला कासगंज में दलित की बारात को नहीं छोड़ने दिया। हम लोग आज विकल्प ढूंढ रहे हैं, और ये जो मंच है ना, ये ऐसा वैसा मंच नहीं मुझे दिख रहा है, ये कुछ बदलाव करना चाहता है। लेकिन बदलाव करने से पहले मैं बता दूं, सामाजिक मंच हमेशा बिकते आए हैं, बेईमान लोग हमेशा बिकते आए हैं। जिग्नेश दलितों की बात करता था गुजरात में, कांग्रेस से समझौता कर लिया। कन्हैया कुमार बहुत बड़ी तकरीर देता था भजन महापुरुषों के ऊपर, वो भी बिक गया। रामदास आठम्बले ने दलित पैंथर बनाई, वो भी चला गया। रामराज उदितराज ने प्रसंग का संगठन बनाया, वो भी बीजेपी में चला गया। ये आपको बताएं, ये चंद्रशेखर आजाद ने भीम सेना बनाई, भीम आर्मी, यही बालक राम जी ने उसे जेल से छुड़ाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम जंत्र मंत्र पर किए। हम लोग जब तक जुड़े हुए थे, जब तक वो सामाजिक संगठन था, और आप लोगों से भी हम जब तक जुड़े रहेंगे, जब तक आपका ये सामाजिक परिवर्तन का संगठन जिंदा रहेगा। लेकिन हर एक आदमी अपना स्वार्थ देखता है। मैं ज्यादा तकरीर न करते हुए
बहुत से लोग कसीदे पढ़ते हैं, मैं जमीन पर काम करता हूं। मैंने एक कॉलेज खोला है जिसमें गरीब बच्चे 1400 बच्चे हैं, मैं जमीन पर काम करता हूं। मैंने लखनऊ में एक गेस्ट हाउस बनाया है, मैं जमीन पर काम करता हूं। लक्ष्मीनगर में एक बुद्ध विहार है, एक नोएडा में बुद्ध विहार है, उसकी भी लड़ाई में लड़ने के लिए गया। ये अब तक बतोले बनाते रहोगे, तुम लड़ाई की बात करते हो, तुम पर एक चाकू नहीं, भंते करुणा कर सत्य हिंसा का पालन करता है। भंते करुणा पर चार आग्नेयास्त्र हैं, चार ऑटोमेटिक। क्यों? उसका कारण है, या अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण अछूत नहीं हो सकता, अछूत ब्राह्मण नहीं हो सकता। मुझे खुशी है कि आप यहां पर बैठे हो और कुछ करना चाहते हो। मैं भी एक मेरे से पहले वो चंद्रशेखर जी ढेर सारी उर्दू में कुछ हिंदी में बोल के तकरीर गए थे, शेरो शायरी करके गए थे, मुझे भी एक मजा आ गया कि मैं भी बोल दूं। वक्ते जिहाद है सवे रक्स का नहीं, वक्ते जिहाद है सवे रक्स का नहीं, हो खून का कतरा किसी के अस का नहीं, बुलावा सर फरोशों का हुआ है आज फिर, है मैदान जानदारों का मरीज इसका नहीं। लेकिन गुल छड़ाने की लहर पर जिनसे उम्मीद थी वो भी पत्थर रख गए सीने पर मर जाने के बाद। आज बाबा लोग, सनातन की बात करने वाले लोग आज बेलगाम हो गए, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं। मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी को कहा था, धीरेन्द्र शास्त्री ये किसी के बाप का देश नहीं है, यहां पर मुसलमान किराए पर नहीं रहता है, दलित यहां किराए पर नहीं रहता है, ओबीसी यहां किराए पर नहीं रहता है, SC ST यहां किराए पर नहीं रहता है, ईसाई और पारसी यहां किराए पर नहीं रहता है। तुम कैसे बनाओगे हिंदू राष्ट्र? ये मुसलमानों का देश है, ईसाइयों का देश है, बौद्धों का देश है, सिखों का देश है, और तुम कह रहे हो 2% लोग क्या हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? संविधान को जो बदलने की बात करते हैं, हम उनको आगाह करना डालना चाहते हैं। आप एक बार संविधान तो बदल कर देखो, ये जमीन लाल मिलेगी, हर जगह मिलेगी। तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी संविधान को नहीं बदल सकता। ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान बनाया है, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता उसमें दी है, सेकुलरिज्म दिया है। सेकुलरिज्म के लिए आपको संविधान को पहले खत्म करना पड़ेगा, और संविधान खत्म करने से पहले कौम को यहां पर 20 करोड़ दलितों को और 25 करोड़ मुसलमानों को खत्म करना पड़ेगा, तब यहां पर आप बदलाव ला सकते हो, कभी नहीं ला सकते। मैं ज्यादा न बोलते हुए बालक राम जी को बधाई देता हूं। बालक राम जी, आपको मैं देख रहा हूं बहुत दिनों से, आप बहुत से संगठनों में काम करते हैं, फिर आप जैसे ईमानदार आदमी को अलग कर दिया जाता है। समता सैनिक दल में आपने काम किया, भारतीय बौद्ध महासभा में आपने काम किया, भीम आर्मी में आपने काम किया, जो यहां के छितरे फितरे छोटे मोटे लट्टू पट्टू और भी संगठनों ने तुमने काम किया, लेकिन बेईमान लोगों के बीच में तुम कहीं टिक नहीं पाए। उसका कारण यह है, तुम्हारी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, शक है तो उन बेईमान लोगों के लिए। क्योंकि जो बालक राम जी को मैं बहुत दिन से जानता हूं, उन्होंने तन मन धन, और उस व्यक्ति का एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि उन्होंने किसी की चीटिंग करी हो। ये आपने संगठन बनाया है, लेकिन मैं आपको, आपके संगठन के लोगों को ये पूछना चाहूंगा, पार्टी एक दिन में नहीं बनती है, पार्टी के लिए टाइम चाहिए। आने वाले समय में 2024 में आप बताओगे, मैं नहीं, आप किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? BSP को करोगे? वोट तो आपका है ही है, मैं इसको राजनीतिक मंच नहीं बताता। समाजवादी पार्टी को करोगे? कांग्रेस को करोगे?
भारतीय जनता पार्टी को करोगे, कम्युनिस्ट को करोगे, किसको करोगे, जिस 2024 में तुम्हारी पूरी की पूरी सीटें एमपी की आ जाए, प्रधानमंत्री दलित या पिछड़ा या मुसलमान बने, तब हम जानेंगे, तब यहाँ पर परिवर्तन आएगा। राजनीति एक ऐसी चाबी है, वहां से सारे दरवाजे खुलते हैं। आज आरएसएस बैठ गई 100 वर्ष बाद, आरएसएस के लोग आज गांव-गांव कथा करा रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, आडंबर फैला रहे हैं, ढंग फैला रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं। जातिवाद का जहर यहाँ पर जबरदस्त है, उस जातिवाद के खून को आपको कुचलना होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात, जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत रेडी रहेगा उसका, अमर रहेगा अम्बेडकर। बातों से कोई काम नहीं चलने वाला, मेरे भी भाषण से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। जब तक आप जमीन पर काम नहीं करेंगे, जब तक आप जमीन पर नहीं आएंगे, मैं देखता हूं सारे लोग जगह जगह मंच लगा रहे हैं, लगाना चाहिए, लेकिन ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ, त्याग और बलिदान के साथ। तुम कहते हो लड़ेंगे, आरएसएस का सारे कमरे के कमरे एक ही 47 से भरे पड़े हैं, तुम कैसे लड़ोगे, तुम कैसे लड़ोगे? तुम्हारी जेल हो जाए तो डर जाते हो। भंते करुणाकर फतेहगढ़ की जेल में, सेंट जेल में 1972 में 1.5 साल जेल में रहा, और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको मैंने हाथरस के तालाब जाकर दोनों को गोली से भून दिया। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? बौद्ध धर्म किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन मैं कहता हूं कि बौद्ध धर्म हत्या करने वाले को जिंदा जाने की भी इजाजत नहीं देता। हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बौद्ध धर्म लिया है, अहिंसा का पालन हम वहीं तक करेंगे। जो हमको कुछ नहीं कहता है, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, और जो हमारे ऊपर जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा, आप उसकी जमीन तैयार कर लीजिए। मंचों से नहीं होगा, गांव में जाकर आपको लोगों को लाइसेंस दिलाने होंगे। बीएसपी की गवर्नमेंट के समय 14,000 लाइसेंस पूरे उत्तर प्रदेश में भंते करुणाकर ने दिलाए। अब वक्त बदल गया है, आपको मानसिक दृष्टि से, बाहुबल से, धनबल से, बुद्धिबल से मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपके 3 बल समाप्त कर दिए गए थे। आपकी शिक्षा खत्म थी, बाहुबल खत्म था, धनबल खत्म था, आपको काजू बादाम नहीं मिलते थे, रबड़ी नहीं मिलती थी, अच्छा लड्डू नहीं मिलता था, इसलिए आपका मानसिक संतुलन कम था। बंदे करुणाकर आज 4 बार ड्राई फ्रूट खाता है, और उसके बाद समाज के बीच में आता है। मेरा समय समाप्त हुआ, और आप बाबा साहब की वजह से आप खूब मौज उड़ाते रहिए, घर में बैठे रहिए, टीवी और बीबी के साथ रहते रहिए। जब तुम पर जूतों लात पड़ेगी 2024 में, तो आप फिर कहेंगे ये क्या हो रहा है। इसलिए भैया अभी समझ जाओ, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। बाबा साहब के डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर सब कुछ कुर्बान कर दो, नहीं तो तुम वही पहुंच जाओगे, गंदी नाली के सहारे। गंदे मिटा दो जमाने से कुनबा परस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती, मिटा दो ये जातीयता वाली बस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मंच के आयोजकों को और बालक राम जी खत्म कर रहा हूं। मैं माइक पकड़ा आदमी नहीं हूं, मैं छोड़ रहा हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि पूरा हुक्का मैं पी जाऊं और दूसरों के लिए कुछ ना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।